दोस्तों बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ शोबिज में रहने के लिए ही किया जाता है। हमने कई बार देखा है कि एक्टर्स अपने को एक्ट्रेसेस से ही शादी कर लेते हैं, तो कई बार बस न्यूज में रहने के लिए एक दूसरे के साथ लिंकअप कर लेते हैं। पर इन सब के बीच कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्हें कॉमन लोगों में अपना लाइफ पार्टनर मिला। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बॉलीवुड सेलिब्स की कहानी बताएंगे जिनके लाइफ पार्टनर्स बिल्कुल ही अलग फील्ड ऑफ कैरियर से बिलोंग करते हैं। नंबर वन, शाहिद कपूर। शाहिद ने जब मीरा से शादी की थी तब किसी को आइडिया नहीं था कि शायद किसी को डेट भी कर रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां शायद एक्ट्रेसेस को डेट कर कर के तंग आ गए थे और कई सालों तक वो सिंगल ही रहे। फिर एक पार्टी हाउस में शायद और मीरा की मुलाकात हुई और मीरा ने शायद को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं किया। शायद इसी वजह से बहुत कंफर्टेबली उनसे बात करने लगे और पहली ही मुलाकात में उन्हें लगने लगा कि मैं शायद इसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा। कुछ मीटिंग्स के बाद शायद को क्लियर हो गया कि मीरा उनके लिए स्पेशल है और उनसे मिलके उन्हें बहुत अलग फील होता है। शायद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें उनकी और मीरा की एज को लेकर डाउट्स तो थे, पर मीरा अपनी यंग एज में ही बहुत मैच्योर थी और शायद को अच्छी तरह से समझ सकती थी। इसीलिए शायद ने बिना ज्यादा डिले किए मीरा से शादी कर ली और आज भी दोनों एक साथ बहुत कंपेटेबल नजर आते हैं। शायद से जब उनकी लाइफ की सबसे स्पेशल मोमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीरा से शादी करना और अपनी डॉटर मीशा का बर्थ उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है। नंबर टू, जॉन अब्राहम। सभी फैंस जानते हैं कि जॉन और बिपाशा वर कंसीडर्ड टू बी इंडस्ट्रीज बेस्ट कपल, पर जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद से जॉन को मीडिया में काफी क्रिटिसाइज किया गया। जॉन की मुलाकात फिर प्रिया रुंचल से हुई जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। प्रिया एक प्रोजेक्ट के लिए मुंबई आई हुई थी और अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स की वजह से उनकी मुलाकात जॉन से हुई। जॉन को प्रिया बहुत ही प्रोफेशनल और कैरियर ओरिएंटेड लगी और वहीं से जॉन प्रिया को लाइक करने लगे। थोड़े टाइम बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और 2014 में सीक्रेटली जॉन ने प्रिया से शादी कर ली। प्रिया धर्मशाला से बिलोंग करती हैं और जॉन की फिल्म लाइफ से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जॉन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आई वॉज टायर्ड ऑफ फाइंडिंग लव एट द रॉन्ग प्लेसेस। मेरी लाइफ में जब से प्रिया आई है तब से मेरी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड हो गई है। नंबर थ्री, शाहरुख खान। शाहरुख और गौरी की कहानी हमेशा से फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन रही है, जहां शाहरुख गौरी से तब मिले जब शाहरुख के पास ना तो पैसा था और ना ही फेम। इन अ वे गौरी से ज्यादा शाहरुख इस स्टोरी में कॉमन मैन है जो गौरी के लिए सब कुछ अचीव करना चाहते थे। शाहरुख और गौरी एक पार्टी में मिले जहां से दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हुई, पर कुछ टाइम बाद जब गौरी ने शाहरुख को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। शाहरुख एक मुस्लिम थे और गौरी एक हिंदू। उसके अलावा दोनों बहुत ही यंग थे और गौरी के पेरेंट्स को लगा कि अभी से मैरिज के लिए सोचना सही नहीं होगा। शाहरुख उस समय एक स्ट्रगलर थे और उस मीटिंग के बाद उन्होंने अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा कर रखा। पर कुछ सालों बाद जब शाहरुख एक पॉपुलर टीवी एक्टर बन गए तो दोबारा उन्होंने गौरी के पेरेंट्स को उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट की। शाहरुख ने कहा कि अगर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरी लाइफ उसी के साथ रहूंगा, आप मेरे प्रोफेशन और रिलीजन से मुझे जज बिल्कुल ना करें, मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ। शाहरुख का कहना है कि गौरी से शादी करना उनके लिए बहुत लकी भी साबित हुआ, क्योंकि मैरिज के एक महीने के अंदर ही शाहरुख को 5 फिल्मों के अंदर साइन कर लिया गया था, जिसके बाद शाहरुख बॉलीवुड के सबसे इन डिमांड स्टार बन गए। नंबर फोर, आर माधवन। मूवीज में अपना कैरियर बनाने से पहले माधवन एक पब्लिक स्पीकर थे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप लिया करते थे। 1991 में जब वो ऐसा ही वर्कशॉप ले रहे थे तो उसमें एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था सरिता बिरजे। माधवन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास लेने की वजह से सरिता ने अपनी एयर होस्टेस बनने का इंटरव्यू क्लियर किया था। फिर एक दिन उन्हें थैंक यू बोलने के लिए सरिता ने माधवन को डिनर पर बुलाया और वहीं से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। माधवन ने कहा कि सरिता मेरी लाइफ का फर्स्ट लव थी और मुझे नहीं लगता था कि सरिता मुझ जैसे डार्क कलर वाले लड़के से शादी करेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने की। माधवन और सरिता ने 1999 में शादी कर ली थी और 2005 में ये दोनों पेरेंट्स बने। माधवन का आज तक किसी भी एक्ट्रेस के साथ अफेयर का रूमर नहीं आया है और उनका कहना है कि मेरी वाइफ ने मुझे तब से जाना है जब मैं फेमस भी नहीं था। शी हैज सीन मी ग्रोन इन लाइफ, इसीलिए आज भी हमें अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वी फील कम्प्लीट अराउंड ईच अदर। नंबर फोर, इमरान हाशमी। बॉलीवुड मूवीज के कैसानोवा कहे जाने वाले इमरान रियल लाइफ में वन वुमेन रहे हैं। 2006 में इमरान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड परवीन शाहानी से शादी कर ली और उस वक्त परवीन एक प्री स्कूल टीचर थी। इमरान और परवीन की लव स्टोरी 1996 में शुरू हुई,
जब दोनों अपनी टीनेज में थे, मूवी से पॉपुलर होने के बाद भी इमरान परवीन के साथ लॉयल रहे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इमरान का किसी और एक्ट्रेस के साथ लिंकअप हुआ हो। शादी के 5 साल बाद उनके बेटे आयान का बर्थ हुआ और 4 साल की उम्र में ही पता चला कि आयान को फर्स्ट स्टेज कैंसर है। इमरान और प्रवीण के लिए वो वक्त बहुत डिफिकल्ट था, पर दोनों ने कभी गिव अप नहीं किया। प्रवीण ने इमरान को मूवीज में एक्टिव रहने को कहा और ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद संभालने लगी। इमरान भी मानते हैं कि अगर प्रवीण नहीं होती तो वो कभी इस सिचुएशन को ठीक से डील नहीं कर पाते। वो नेचुरली बहुत ही इमोशनल हैं और प्रवीण ने उन्हें हिम्मत हारने नहीं दी कभी भी। नंबर 5 सुहेल खान। अपने एक्टिंग कैरियर से पहले सुहेल एक डायरेक्टर रह चुके हैं और उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म रही प्यार किया तो डरना क्या, जिसे 1998 में रिलीज किया गया था। इसी साल उनकी मुलाकात सीमा सचदेव से हुई, जो मुंबई में एज अ फैशन डिजाइनर काम करने आई थी। सीमा दिल्ली की पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनका फिल्म लाइन से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। सुहेल ने कहा कि सीमा और उनकी कहानी लव एट फर्स्ट साइड वाली लव स्टोरी है, जहां मिलने के कुछ मंथ्स बाद दोनों ने डिसाइड किया कि वो शादी कर लेंगे। पर सीमा के पेरेंट्स ने इस बात पर ऑब्जेक्ट किया क्योंकि सुहेल मुस्लिम थे और सीमा एक पंजाबी हिंदू, जिसके चलते सुहेल और सीमा ने बिना किसी को बताए एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। बाद में हालांकि सब मान गए, पर बहुत हैरानी की बात है कि जहां सलमान शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, वहीं उनके भाई सुहेल ने कुछ मंथ्स के रिलेशनशिप के बाद ही डिसाइड कर लिया कि वो शादी कर लेंगे। नंबर 6 श्रेयस तलपड़े। श्रेयस और दीप्ति की कहानी बहुत ही डिफरेंट है। मूवीज में आने से पहले श्रेयस मराठी और हिंदी टीवी शोज में कई कैरेक्टर रोल्स कर चुके थे, तो एक दिन उन्हें एक कॉलेज फेस्टिवल में बुलाया गया। साल था 2000 और ये श्रेयस के कैरियर का पहला सेलिब्रिटी लाइव इवेंट था। उस कॉलेज फेस्ट में उनकी मुलाकात दीप्ति से हुई, जो उस वक्त एक स्टूडेंट थी और श्रेयस की बहुत बड़ी फैन थी। श्रेयस ने रिवील किया कि दीप्ति से पहले उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी और शुरू से ही उन्हें पता था कि दीप्ति के साथ वे अपनी लाइफ बिताएंगे। श्रेयस और दीप्ति ने 4 साल तक डेट किया, क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट बन चुकी थी और श्रेयस अभी भी कोई एस्टेब्लिश्ड एक्टर नहीं बन पाए थे, पर फिर भी दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, जिसके बाद दोनों ने 2004 में शादी कर ली। अपनी मैरिज के 15 साल के बाद मई 2019 में दोनों सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बने और उन्होंने अपनी बेटी का नाम आद्या रखा। नंबर 8 वरुण धवन। दोस्तों, वरुण धवन और नताशा दलाल वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कपल्स में से एक हैं। और आपको बता देंगे, नताशा एक फैशन डिजाइनर हैं बाय प्रोफेशन और इनका खुद का एक फैशन ब्रांड भी है जिसका नाम है नताशा दलाल। और नताशा को बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रहने में ही मजा आता है, इसीलिए वे हमेशा मीडिया से दूर ही रहती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आपको इनमें से किस कपल की जोड़ी अच्छी लगती है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। Subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.